आज मैं आपको जो आपके छोटे छोटे किड्स होते हैं उनको लिटिल किड्स को हम किस तरह से पिक्चर्स के माध्यम से अल्फाबेट के बारे में जानकारी दे सकते हैं उसके बारे में हम आज यहाँ पे बताएंगे। प्लीज कम टू द सबसे पहले ए के बारे में जानकारी देनी है तो उसके लिए हमें इस तरह से एप्पल का फिगर देना होगा। तो बच्चे इजीली इसको समझ जाएंगे। जैसे ए फॉर एप्पल सिखाना है तो ये ए जो है कर्सिव ए, ये ए है। अब इसके आधार पे बच्चा इस एप्पल को समझ जाएगा। एक पिक्चर बनाइए हमें और ए ए फॉर एप्पल और उसके दिमाग पर ये स्थायी हो जाएगा कि ए फॉर एप्पल। छोटे बच्चे जो हमारे बहुत छोटे नर्सरी के बच्चे होते हैं उनके लिए। इसी तरह से हम बी फॉर बॉय बनाना है तो हम इस तरह से बॉय का पिक्चर बनाएं। तो ये बॉय यहाँ पे बना दिया है। इसे हम बोलेंगे बी फॉर बॉय और बच्चा इसको आसानी से इसे समझ जाएगा और पिक्चर दिखाने से बच्चा उसे बी फॉर बॉय देगा। इसी तरह से हम जैसे पूरे एप्पल के बारे में भी वर्ड्स के बारे में भी हम जानकारी दे सकते हैं। जैसे हम कह दें कि ए पी पी एल ई एप्पल। इसी तरह से बी ओ वाई बॉय। नेक्स्ट सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। सी ए टी कैट। डी ओ जी डॉग। O Z dog E for elephant. The student can easily understand the alphabet by these pictures. इन चित्रों की मदद से छोटे छोटे बच्चों को हम अंग्रेजी अल्फाबेट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ई फॉर एलिफेंट। ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट। एफ फॉर फिश। For fish. F-I-S-H, fish. G-O-T, G-O-A-T, goat. G for goat. G O A T goat. Next, H for hen. H for hen. H H E N hen. I
आई फॉर इंक पॉट, आई एन के पी ओ टी इंक पॉट। सेम है जे यू जी जग, मेकिंग दीज पिक्चर्स, बाई मेकिंग दीज पिक्चर्स द स्टूडेंट कैन इजली अंडरस्टैंड द लेटर्स जे यू जी जग। आपने देखा कि किस तरह से फ्रेंड्स मैंने बच्चों के जो हम पढ़ाते हैं बच्चे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे नहीं से इन तरीके से इन चित्रों के माध्यम से वो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स को जान लेते हैं और उनको समझाने में और ज्यादा तरह से उनके जो मेमोरी में ये चीज स्थायी रूप से रहती है और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ जाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो में आपने अभी तक जो मैंने मुख्य ए से जे तक के अक्षर ही बताए हैं, लेकिन मैं जल्दी ही अपना पूरा ए से जेड तक मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। अभी समय की थोड़ा कमी की वजह से मैंने इसे थोड़ा सा संक्षिप्त में दिखाया है कि किस तरह से छोटे बच्चों को सिखाया जा सकता है। आगे आप देखेंगे।